किस तरह का, किस तरह की न्यू फीलिंग्स या बहुत अच्छा लग रहा है। और जब गई थी मैं तब इसी वेश में थी एक्चुअली, बट लोगों को शायद वही जयवंता पसंद है और वही जयवंता याद है जो पूरे गहने पहनकर पूरी महारानी के लुक में थी। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद मैं महाराणा प्रताप के सेट पर हूँ और सारे लोगों के साथ आज शूटिंग करने में वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मिस किया सबको और आई होप लोगों ने भी मुझे बहुत मिस किया। और अच्छा लग रहा है, इट्स अ वेरी डिफरेंट एंट्री और बहुत सारे डेवलपमेंट्स और बहुत ड्रामेटिक सीन्स हैं। और पहला ही सीन बहुत सारे डायलॉग्स और बहुत सारी लाइन्स हैं, तो पूरा दिन लगा है एक सीन करने में और मज़ा आ रहा है। बहुत सारी लाइनें और बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स बोलने में और अच्छा लग रहा है। और फॉर अ चेंज एक हल्का सा लुक है क्योंकि वो हैवीनेस नहीं है, तो लाइंस भी जल्दी जल्दी हो रही है। तो आपकी एंट्री एक बार फिर से हो गई है, एक नए ट्विस्ट ट्विस्ट के साथ में हुई है। अपने उस ट्विस्ट के बारे में बताना चाहेंगे दर्शकों को, किस तरह का कहानी में चेंज आएगा? खैर, अब तक तो चल रहा था कि प्रताप युद्ध पर है और बहुत ही दुविधा में है कि अब क्या किया जाए, युद्ध करे या अपनी जान बचाए अपने लोगों के लिए। तो इस दुविधा में है, राजपूत होने के कारण वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मुझे युद्ध छोड़कर जाना चाहिए। इस वक्त जहाँ उसकी जो शक्ति है, उसकी माँ जो हमेशा ही उसका प्रेरणा स्थान रही है, तो जयवंता बाई एंटर्स हियर और वो सपोर्ट करती है और उसे एक सीख देती है, उसे एक दिशा दिखाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्विस्ट होगा महाराणा प्रताप का, क्योंकि यहीं पर है जो प्रताप कुछ अलग निर्णय लेंगे अपने प्रजा के हित के लिए, और इसमें उनकी माँ जयवंता बाई उनका साथ दे रही हैं। तो इतने दिन अगर हम बात करें, आप ऑन स्क्रीन तो हमें नजर नहीं आई, तो किस तरह का आपका हॉलीडे हम जाना चाहेंगे? बहुत एंजॉय किया मैंने हॉलिडे और कई जगह घूमी और उत्तराखंड गई थी मैं, हिमालयाज, भारत के कुछ गिने चुने स्थान है, हरिद्वार, ये सब देखने गई थी। बहुत मज़ा आया और बहुत अपनी लाइफ एंजॉय की। जैसे काम होता है या शूटिंग होती है तब शूटिंग के अलावा कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। जो नहीं कर पाई थी शूटिंग के दौरान 1.5 साल, वो सब कुछ किया मैंने इन महीनों में और बहुत मज़े किए। राजपूत, जब एक बार आपने फिर से कमबैक किया सेट पर, तो सेट पर लोगों का किस तरह से रिएक्शन था, आपके ओ पोस्टर्स का? मतलब बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था और बहुत ही अच्छा वेलकम किया गया मुझे। और सारे जो मेरे लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, मेरे मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, वो तो मतलब मुझसे ज़्यादा खुश हुए थे। और मेरी रूम जैसे कि जैसे जैसे मैं छोड़ कर गई थी वैसे ही उन्होंने रखी है और बहुत अच्छा वेलकम मिला मुझे। सारे लोग, सब लोग, अब बहुत सारी लाइनें होंगी और बहुत सारा ड्रामा होगा, ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आई होप कि इससे भी अच्छा काम हो आगे भी और अच्छा चले और कई साल चले महाराणा प्रताप।